मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित बोनी एनी पब्लिक स्कूल में CBSE की ओर से 2 दिवसीय भौतिक विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ विद्यालय समिति सदस्य फरहीना शेरवानी, प्रधानाचार्य सुनीता भटनागर, उप प्रधानाचार्य अतिया खान और डॉक्टर विकास अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर विकास अग्रवाल का बुके देकर स्वागत हुआ, जिसमें अपेक्षा की गई कि वो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में सभी को संदेश देने के साथ साथ अपना योगदान भी देंगे। कार्यशाला में 32 स्कूलों में 36 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भौतिक विज्ञान की विभिन्न गतिविधियों द्वारा विषय को आसान और रुचिकर बनाने में गुण सीखे। साथ ही प्रश्नों का रूप जटिल न होकर आसान होना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी सफलतापूर्वक हल निकाल सके। कार्यशाला का संचालन समान जावेद द्वारा किया गया। विकास अग्रवाल ने अपने संबोधन में शिक्षकों को अनेक विषयों पर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही शिक्षकों के सवालों के जवाब भी दिए। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स जितनी भी लेने उसके अंदर उनको कराइए, पॉइंट टू पॉइंट स्टेप मार्किंग होता, नॉट एन इश्यू, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट इज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्यों करता है मालूम है? वो 10 लाइनें अंग्रेजी वाली लिखवाई है आपने, वो उसे समझ में तो आती नहीं है, तो पहले वो नहीं याद करता है, बार बार भूल जाम भूल जाम भूल जाम नहीं याद करेगा। जिसको याद करना है उसका तो नंबर आता ही नहीं। अब आपने अगर उसको वहां से फ्री कर दिया कि बेटा तुम्हें 10 लाइंस जो है याद नहीं करनी, सीधा लिखना है, एज वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस 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 दैट इज ऑल, और कुछ नहीं करना, आप ये समस्या हो जाएगी। मेमोराइजेशन के बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेमोराइजेशन उस चीज का होता है जिस पर हमारा कमांड नहीं होता, जिसको हम समझ नहीं पाते, उसको हम बार बार याद करने यूज करते हैं, और उसमें एक फियर फोबिया बैक मतलब से काम करता है। क्या? याद में भूल ना जाऊं, याद में भूल ना जाऊं, ये जो फोबिया होता है इसी की वजह से हम जो एक चीज को बार बार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेमोराइजेशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से मेमोराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप रेफरेंस बुक से काम कराते हैं? प्रदीप, सुरेश, दिनेश, कितने लोग कराते हैं? सभी कराते होंगे, बस इसी वजह समस्या आई है, क्योंकि सुरेश, प्रदीप, दिनेश हर किताब में हर समस्या का सॉल्यूशन पीछे से दिया हुआ है। जितनी समस्या ग्राम वाली है केवल इस एक से 90% सॉल्व हो जाएगी। दो चीजें होती है ग्राफ में, ग्राफ की तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो स्केचिंग और एक एनालिटिकल। तो ये एनालिटिकल के बारे में बात कर रहे हैं। एनालिटिकल में दो चीजें होती है, एक स्लोप और एक एरिया। दुनिया में कोई भी ग्राफ हो केवल दो ही चीजें काम लगेंगी, एक तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप और एक कंसेप्ट ऑफ एरिया। 2 दिवसीय कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य नीता भटनागर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब आगे बढ़े और जो कमियां हैं उनमें सुधार होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 2 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित की गई है। इस दौरान बच्चों द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका संदेश सिर्फ ये है कि हम नई तकनीक के साथ आगे बढ़े, जो कमियां हैं उसमें सुधार हो, बच्चों और शिक्षक के क्षेत्र में बेहतरीन काम हो, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक बच्चे को एक अच्छा वातावरण दे सकें। Today here at Boney and Public School, we are holding a training workshop for 2 days on 30th and 31st of October, which is conducted by COE CBSE, and it is on the main subject physics for senior secondary school teachers. From all over the Muradabad district, we have got about 36 teachers to take part in this. Our resource person, Dr. Vikas Agarwal, is taking it up in a very good manner, who is a very experienced person in this subject and well-known name in the town. He has been very much into this subject and motivating also. He has taken a number of motivational speeches, and he believes that students need to be motivated towards this subject, physics mainly, because it is noticed that children are being irregular these days. First of all, the regularity is very important, and for that, what all can be the factors that children are trying to escape school, and especially the physics classes. So different suggestions have come up that how we can add up the regularity for the students in the schools, for which number of cues he has given, how to take up the subjects, especially the topics which are difficult, and to focus on the main parts of the derivations and all, in what manner children can be finding it easier. Because the mind setup is there that the child feels that physics is difficult. So that mind setup has to be changed first of all, and the subject has to be introduced in a fun manner
so that they are making a bonding with the teacher who is teaching physics and with the subject. Also, he has pointed out that what can be the different aspects, what can be the different parts of the subject which can be taken up in a more elaborate manner, and where they can be given out cues, and they should be also encouraged not to use those books where the solved questions are given out, because then they are not using their brains and maybe they are not paying attention to what the teacher is teaching in school. So very important aspects are there which maybe we are ignoring here and there, and if we are able to adopt those, then definitely schools will have the students coming regularly also, and they will fall in love with physics. Children have also made some models and charts which they have displayed, a beautiful rangoli, and they have tried to display their interest in the subject from Bonny and Public School also. Thank you.